गाइस स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में यार हम लेके आ चुके हैं एक स्पोर्ट्स बाइक, तो जल्दी से करते हैं इसे अनबॉक्स और देख लेते हैं इसके अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है। तो गाइस मैं इस गाड़ी के बारे में बात करता हूँ, ये गाड़ी हमारी 4D मोटो आशी बाइक है और यहाँ पर इसके सारे फंक्शन मेंशन है। 4D मोटो सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलता है, गति सेंसर देखने को मिलता है और 4CH है ये, इसका मुझे पता नहीं है। बाकी 360 डिग्री रोटेट कर सकती है और यहाँ पर इसका स्केल रेशियो की बात करें 1:8 स्केल रेशियो इसका देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ से हम निकालते हैं गाड़ी को और गाड़ी भाई साहब एक नंबर की होने वाली है। और इसके अंदर हमें एक जो हैंडल होता है ना बाइक का, वैसा वैसा स्टीयरिंग भी हमें देखने को मिल जाती है। तो गाइस ये हमारी गाड़ी, चलो इसको निकालते हैं बाहर और देखते हैं हमारी गाड़ी कितनी शानदार होने वाली है, यानी हमारी बाइक कितनी शानदार होने वाली है। देखो सबसे पहले निकालते हैं इसका ये हैंडल, जैसे रियल स्टीयरिंग होती है ना हैंडल की, वैसे वैसे हम देखने फॉरवर्ड बैकवर्ड का बटन है। बाकी इसके अंदर ग्रेविटी सेंसर भी देखने को मिलता है, ये इसका एंटीना, ये इसके ब्रेक है लेकिन काम नहीं करते हैं, ये भी काम करता है तो काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी यहाँ पर 3 AA बैटरी लगने वाली है, यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिलता है, तो इसको तो रखते हैं साइड में। उसके बाद हमारी निकालते हैं गाड़ी यानी हमारी बाइक, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है और ये दिखने के मामले में काफ़ी अच्छी है। बाकी आपको कैसी लग रही है कमेंट पर जो बताना भाई हूँ। बाकी देखो भाई साहब ये देखो कितनी लाजवाब बाइक है, इसके व्हील देखो, व्हील कितने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े व्हील देखने को मिलते हैं और ये यहाँ पर हमें इसकी ग्रिप, रबड़ की ग्रिप देखने को मिलती है। चलने के मामले में काफ़ी अच्छी होने वाली है, पीछे भी काफ़ी अच्छी है, यानी ये चलती अच्छा। इसके मोटर आगे के व्हील में लगी है, पीछे का व्हील बिल्कुल फ्री है, ये सिर्फ हमें रोटेट करने का काम है। ओहो ये देखो दोनों साथ काम करें भाई साहब, ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर हमें इसका ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिलता है और आगे हमें यहाँ पर लाइटिंग भी देखने को मिलती है। भाई साहब ये कितनी अच्छी लग रही है, स्पोर्ट्स बाइक है और यहाँ पर हमें शायद लाइटिंग भी होने वाली है तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पर देखो छोटे छोटे व्हील भी देखने को मिलते हैं, यहाँ पर इसका बैटरी कंपार्टमेंट होने वाला है और यहाँ पर लिखेगा GS, यहाँ पर लिखेगा स्पीड और देखो इसकी स्टीयरिंग काफ़ी लाजवाब भाई साहब, रियल स्टीयरिंग होती वैसी वैसी है। और पीछे देखो, पीछे यार कितनी तगड़ी लग रही है। बाकी ये गाड़ी आपको किस तरह की दिख रही है कमेंट में जो बताना, ये हायाबुसा लग रही है या हमारी कावासाकी की लग रही है या हमारी कौन सी स्पोर्ट्स बाइक है कमेंट में जो बताना। यहाँ देखो R1100 लिख रखा है तो ये काफ़ी अच्छा है, चलो इसका टेस्ट करते हैं। बाइक के अंदर हमने बैटरी लगा दी और इसके अंदर लगभग 5 AA बैटरी लगानी पड़ती है, तो यहाँ से करते हैं ऑन। तो गाइस देखो ऑन की और यहाँ पर हमें लाइटिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पर काफ़ी तगड़ी लाइटिंग देखने को मिलती है और ये हमारा रिमोट कंट्रोल और इसके अंदर भी हमने लगा दी बैटरी और यहाँ से चलाते हैं, ये इसका बटन देखो, वाह क्या तगड़ी स्पीड आ रही। ओ इसका यार गति सेंसर है वो काम ही नहीं कर रहा, इसके अंदर है या है भी नहीं, देखो ये देखो, ओहो ना बाबा सिर्फ फॉरवर्ड बैकवर्ड ही आ रहा है इसका, तो पर स्पीड कहीं तगड़ी आ रही, देखो है थोड़ा बहुत है काम कर रहा है, बाकी धीरे धीरे काम कर रहा है, ये देखो क्या बात, चल कितनी तगड़ी रही यार, स्पीड बहुत तगड़ी है, स्पीड तगड़ी है पर घूमने के मामले में थोड़ी धीरे धीरे घूम रही है, देखो ओहो क्या बात है, देखो ओहो क्या बात है, मज़ा आ गया भाई साहब यार। बस यार ये ऐसे गोल घूमती तो काफ़ी अच्छा रहता है, ये घूम नहीं रही, देखो अभी देखना ये यार ऐसे करा है, ये देखो क्विक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है इसका भैया, ऐसे ऐसे और घूमती आ रही है, नहीं घूम पा रही है, इसका ग्रेविटी सेंसर बहुत कम काम कर रहा है जी, कर रहा है लेकिन बहुत कम काम कर रहा है, नहीं इसका रिस्पॉन्स थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था घूमने के लिए, और घूमने के लिए का एक और अलग बटन होता तो और वो काफ़ी अच्छा रहता। बाइक चलिए देखो स्पीड कितनी तगड़ी है इसके व्हील के अंदर, मोटर पावरफुल लगा रखी है भैया, घूम तो रही थी ऐसे, घूमने का है यार पर घूम क्यों नहीं रही। तो गाइस यार कल हमारी ये गाड़ी यार सही चल नहीं रही थी, मोड़ नहीं रही थी, तो इसका क्या सेंसर काम नहीं कर रहा था रिमोट का, तो ये तो हटा दिया हमने और इसके अंदर इसकी जो PCB थी वो भी हमने चेंज करनी पड़ी ताकि ये चलाने के लिए, क्योंकि चल तो रही थी फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो हो रही थी लेकिन ये लेफ्ट राइट ऐसे नहीं घूम रही थी, तो फिर हमने इसके अंदर की जो PCB है वो भी चेंज कर दी, वो कैसे चेंज करी वो भी मैं आपको क्लिप बता दूंगा। तो गाइस यार ये PCB थी इसकी जो कि हमने हटा कर ये दूसरी वाली PCB लगा दी है, अब इसकी टेस्टिंग करते हैं वो देखते हैं अब कैसे चल रही है। गाइस देखना ओहो क्या स्पीड है भाई साहब, ओहो हो वाह मज़ा आ यार, देखो कितनी खतरनाक चल रही है, ओ अब खतरनाक चल रही भाई साहब, स्पीड देखो स्पीड कितनी तगड़ी आ रही है इसकी, ओ कंट्रोलिंग देखो यार, और इसके अंदर लाइट भी चल रही है, जैसे हम आगे फॉरवर्ड बैकवर्ड लेते हैं ना तो लाइट चलती है, अरे यार लाइट ही अंदर चली गई यार, कोई बात नहीं पर यहाँ पर लाइट चल रही है, यहाँ पर लाइट चल रही है और कंट्रोलिंग देखो इसकी, वाह क्या बात है भाई साहब,
जरा सी जगह हम घूम रही है अब तो। वाह मज़ा आ गया भाई साहब। बाकी पहले तो ऐसा लगा था हमारे पैसे वेस्ट हो गए क्योंकि ये लेफ्ट राइट नहीं घूम रही ना, इसलिए बाकी हमें इसके अंदर जो पीसीबी थी वो चेंज करनी पड़ी। बाकी चलने के मामले में काफ़ी अच्छी चल रही है। तो गाइस हमारी ये डिफोन वाली बाइक का भी टेस्ट करता है, ये मोटो बाइक। और यहाँ से हमने ऑन किया, इसके अंदर स्पीकर भी देखने को मिलता है। और जैसे यहाँ पर हम ऐसा करते हैं ये ऐसे हो जाती है। बाकी हमको इसको ऐसे करना पड़ता है, ये चलने के मामले चलने के लिए तैयार। वापस ऑन की और ये हमारे रिमोट कंट्रोल चलाऊ। ओ क्या बात है, ये भी काफ़ी तगड़ी चलती है। क्या बात, ये देखो ओ मज़ेदार चल रही। देखो भाई ये ऐसे होती ना फ्लैट, तब ये थोड़ी घूमती कम है, भाई चलती रहती है, बस चलती रहती है। ऐसे घूमने में थोड़ा ऐसे वक्त लगता है भाई। अब जैसे हम इसको डिफॉर्म करेंगे ना, ऐसे सेंसर लगा हुआ है इसके, तो ये ऐसे हो गई, बन गया चल लूँ। और अब देखो अब कितनी शानदार घूमेगी, ये देखो अब जल्दी घूम रही है और स्टंट भी कर रही है। क्या बात है, वाह खतरनाक स्टंट करती है ऐसे। वो गोल गोल घूम रही है, क्या बात है यार, मज़ा आ रहा है यार चलाने में से। ये कंट्रोलिंग काफ़ी अच्छी लग रही है ना इसकी, ये देखो वाह। क्या बात है। तो गाइस दोनों में रेस करा रहे हो, देखते हैं दोनों की रेस में कौन जीता है। 1 2 3 ओहो हमारी बाइक एकदम से कोई रिस्पॉन्स के साथ चली गई और देखो जीत भी गई यार, क्या बात है। तो गाइस दोनों में करा रहे हैं पुश बैक, और देखते हैं पुश बैक में कौन जीता है। 1 2 3 ओ गाइस ये क्या, हमारी मोटो बाइक यार, हमारी डिफॉर्म बाइक, हमारी स्पोर्ट्स बाइक को हरा दिया यार इसने तो काफ़ी ज़्यादा पावर लगा रही। देखो हमारे इस बाइक के व्हील कितने खतरनाक घूम रहे, फिर भी इसको हरा दिया है इसने। ओ नो यार। तो गाइस अब बारी है इन दोनों की ठगोर रोर, और देखते हैं ठगोर रोर में कौन जीता है। 1 2 3 ओ गाइस ये देखो, ओ माय गॉड, ये देखो यार हमारी ठगोर रोर में भी हमारी मोटर बाइक जीत चुकी है। डिफॉर्म बाइक है जो स्पोर्ट्स बाइक को खींच के ले गई यार, पावर तो बहुत ज़्यादा है, बस वो धीरे धीरे चलती है। तो गाइस अब करा रहे हैं वेट लिफ्ट, और वेट लिफ्ट के लिए हमने पीछे बांध दिया ट्रक। ट्रक के अंदर अगर एक पूरी ईंट जो कि लगभग 3 किलो की होगी। चलो इसको खींचते हैं, देखते हैं खींच पाती है या नहीं। स्पोर्ट्स बाइक 1 2 3 ओ गाइस ना बाबा यार इससे ना हो पाएगा। हुआ हुआ हुआ, क्या बात है, जरा जोर तो फुल लगा रही है। बस यार इस गाड़ी के अंदर एक प्रॉब्लम है, ये पावर है ना इसके आगे वाले में नहीं होनी चाहिए थी, इसके पीछे वाले में होनी चाहिए थी। ये आगे वाले में पावर दे रखी है यार, ये गलत है इसका, तो मैं जोर नहीं लगा पा रही। देखो ये देखो स्लिप हो रहा है आगे का व्हील। बाकी देखो हम सारा देते हैं, सारा देने के बाद भी नहीं, देखो यहाँ पर ब्लैक ब्लैक हो गया, बर्न आउट होता है वैसा वैसा हो रहा है, हमारा व्हील पूरा स्लिप हो रहा है। बाकी पावर फुल लगा रही है। तो गाइस जब हमारी डिफॉर्म बाइक का वेट कैरी करा था, वो देखते हैं ये किस बात, या नहीं सेम चीज़ है यानी सेम ईट है और सेम वजन है। 1 2 3 अरे यार गिजी गिजी गिजी, क्या बात है, वो आगे से खड़ी हो गई लेकिन पूरा जोर लगा रही यार। चलो इसको ऐसा करते हैं, एक मिनट रुको रुको बाइक रुको, इसको अब खींचेगी देखना। ये लगा भाई जोर लगा लगा, ये ओ नो अब तो डांस करने लग गई। खींची 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 खींची, क्या बात है खींच लिया यार, थोड़ी भी खींची लगी खींच लिया इसने। ओ नो 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 रुको यार, वापस से फुल जोर लगा रही है, थोड़ा सहारा देते हैं। वाह खींच लिया यार, क्या बात। तो गाइस हमारे इसी डिफॉर्म बाइक के अंदर डेमो का बटन भी देखने मिलता है, तो डेमो का बटन दबाते हैं। 1 2 3 क्या बात है यार, डेमो भी अच्छा करती है। देखो गिचुक डांस कर रही है, डिस्को वाला, और डांस उसमें इसके अंदर म्यूजिक भी वैसे ही लगा रखा है, डुचुक ड्रम वाला डांस है इसके अंदर, ड्रम वाला सॉन्ग। वाह काफ़ी अच्छा है डेमो। अगर लाइटिंग देखो, इसकी लाइटिंग कितनी तगड़ी आ रही है आगे इसके अंदर, देखो लाइटिंग शू शू चल रही है, तगड़ी लग रही है आगे लाइटिंग, और आगे ऐसे लगा जैसे रोबोट हो। स्पोर्ट्स बाइक की रेंज देखते हो, देखना ये कितनी दूर तक जा सकती है। वो ओ नो नो नो,
गई 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 हो, तगड़ी स्पीड के साथ जा रही है। चलो चलो चलो, क्या बात है यार, बस इतनी सी देखने मिलती, लगभग लगभग देखने मिलती इसकी 60 से 70 फीट। तो गाइस हमारी इस डिपोर्म की रेंज देखते हैं, देखते हैं ये कितनी दूर जा सकती है। वाओ, ये धीरे जाती है। चलो रे बाबा, धीरे धीरे चलो, क्या बात है, काफ़ी अच्छी जा रही है। वाओ तगड़ी है। हमारा डीजे भी निकल गया पास में, क्या बात है। वाह, इसकी स्पीड हमारी वो जो मोटर बाइक थी उससे तेज है, ज़्यादा है। देख सो कितनी दूर लगा है यार हमारी गाड़ी, यानी हमारी जो बाइक है डिफॉर्म वाली, और ये जा सकती है लगभग लगभग 70 से 80 फीट। आगे भी जा रही, क्या बात है यार। ओ लगभग लगभग 90।